इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। वैसे बेलगाम शहर भगवा आतंकियों का गढ़ और कुछ ना कुछ सरगर्मियां जारी रहती है। हमने इससे पहले भी कई बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि हुकूमत को संजीदा तौर पर स्लीपर सेल की खोज करनी चाहिए। लिहाजा एक बार फिर बेलगाम शहर और तराप में पत्रकार सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल की तफ्तीश फिर तेज हुई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तफ्तीश को रोक दिया गया था, पर एक बार फिर से गौरी लंकेश कत्ल मामला सुलझाने की कोशिश इंतजामिया कर रही है। हिंदुत्व राष्ट्र की सोच से मुतासिर अमोल काले जो एक बड़ा दहशतगर्द है, बेलगाम में काफी दिनों तक रिहाइश पजीर था। हिंदू जनजागृति समिति का जिम्मेदार भी रह चुका था बेलगाम शहर में। हम ख्याल लोगों से वो मिलता था। गोवा मड़गांव धमाके में मुलविस मलगोंडा पाटिल से भी इसका राबता होने की बात कही जा रही है। गोवा में सनातन संस्था नाम की शिद्दत पसंद तंजीम का मरकज है, लिहाजा बेलगाम गोवा महाराष्ट्र के लिए देश विरोधी ताकतों के लिए रिहाइश के साथ तरबियत के लिए भी काफी इस्तेमाल किया गया। गौरी लंकेश कत्ल मामला एक बार फिर तफ्तीश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कत्ल से पहले बेलगाम से फर्जी सिम कार्ड अमोल काले ने लिया था, लेकिन जब तहकीक में मालूम हुआ तो पुलिस ने संती बस्तवाड़ जाकर उस नौजवान की पूछताछ की। डर कर जिस दुकान से सिम कार्ड लिए जिसका नाम इस्तेमाल किया गया था, उसने डर कर पुलिस में फरियाद की थी। अब यह मामला मार्केट पुलिस थाने में पहुंचा है। अचानक एक बार फिर से गौरी लंकेश कत्ल मामले को मिली हरकत से भगवा तंजीमों के अफराद खौफ के साए में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।